अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अब्बास और आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जेफ एवरी ऑफिशियल। दोस्तों, आज हम जो है वो बात करेंगे समर सीज़न सीड मैक्स की, जो कि हम गर्मियों में दाना देते हैं अपने तमाम बर्ड्स को। अच्छा दोस्तों, आम तौर पे जो है वो दाने का जो है वो ख्याल नहीं रखते उस तरह से कि जो है वो हम बस दाना बनवा के लाते हैं या बना बनाए लाते हैं मोस्टली, और हम दे देते हैं बर्ड्स को। तो दोस्तों, हमें इस चीज़ बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए कि जो दाना हम खिला रहे हैं वो दाना उस बर्ड को वो वाइटमिन्स, वो प्रोटीन्स, वो कैल्शियम्स वो पूरे दे रहा है या नहीं दे रहा, वो चीज़ें पूरी हैं या नहीं हैं जो चीज़ें उस किसी भी बर्ड को जो है वो नीड होती है। और जब आप गर्मियों के सीज़न का दाना बनवाते हैं, जब आप समर सीज़न का दाना बनवाते हैं, तो उसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आप अपने बर्ड्स को नेक्स्ट सीज़न के लिए रेडी कर रहे होते हैं। तो आपको चाहिए कि उस दाने को बहुत बारीकी से देखें, उसके अंदर आप जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं वो ज़रूर डलवाएं। कुछ चीज़ें उसमें महंगी होती हैं, जो हम खुद बनवाते हैं दाना उसमें हमें कुछ महंगा पड़ जाता है, लेकिन वो इम्पॉर्टेंट इसलिए होता है कि वो जब आप नेक्स्ट सीज़न ब्रीडिंग के लिए रेडी कर रहे होते हैं अपने बर्ड्स को, तो वो आपके बर्ड्स ग्रेजुअली जो है वो रेडी हो रहे होते हैं पूरे सीज़न में। अच्छा, मसला ये है कि सबसे बड़ा कि हम फोकस कर रहे होते हैं बाकी की चीज़ों पे, मसलन हम मल्टी वाइटामिन्स डाल रहे होते हैं, हम सॉफ्ट फूड के अंदर मल्टीपल चीज़ें डाल रहे होते हैं, या हम पानी में डाल के दे रहे होते हैं, और हम दाने का ख्याल नहीं रखते। हमारे बर्ड्स के लिए बेसिक चीज़ जो है वो दाना है, जिसका हम बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। तो हमें चाहिए कि हम अच्छे से अच्छा दाना बनवाएं बर्ड्स के लिए, ताकि बर्ड्स अच्छे से अच्छा दाना खाएं और अच्छे से अच्छी परफॉर्मेंस दें, और नेक्स्ट सीज़न के लिए आपको प्रोग्रेस आपको अच्छी मिले। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक समर सीज़न सीड मिक्स। तो दोस्तों, मैंने ये टोटल एक 20 केजी का एक चार्ट बनाया है, तो इसको देखते हुए आप लोग कोशिश करेंगे इस तरह से। आप लोग अक्सर लोग जो है वो इन चीज़ों को देख रहे होते हैं, उनका दाना भी अच्छा होगा। अक्सर लोग जो है वो दूसरे ब्रीडर्स के दाने जो है वो रिकमेंडेड दाने यूज़ कर रहे होते हैं। ये मैंने बहुत सारी चीज़ें देखते हुए और कुछ हमारे उस्ताद हैं उनसे मशवरा करके फिर मैंने ये जो है 20 केजी का एक रेशो बनाया है तमाम सीड मिक्स का, तो मैं आपसे ये शेयर करने जा रहा हूँ। तो भाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कैनरी सीड है, कैनरी सीड मैंने लिया है 5 किलो, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाती है मोटी कंगनी, मोटी कंगनी मैंने लिए 3 किलो, ठीक है। उसके बाद आ जाती है बारीक कंगनी मैंने लिए 5 किलो, ठीक है। खुरतम 1/2 केजी, जई 2 केजी, लाल कंगनी मोटी वाली 1 केजी, भंग सीड्स 1/2 केजी। भंग एक्चुअली गर्म होता है, भंग के सीड्स जो है वो गर्म होते हैं, तो हम इसको बिल्कुल कम कर देते हैं। तो भंग सीड्स जो हैं वो 1/2 केजी हैं। लाल चावल अक्सर लोग डलवाते हैं, अक्सर लोग नहीं डलवाते हैं, मैं यूज़ करता हूँ लेकिन थोड़ा। तो लाल चावल जो है वो 1/2 केजी, सनफ्लावर भी आपको पता है कि गर्म होता है, तो गर्मियों में इसको कोशिश करें कि कम डलवाएं। तो सनफ्लावर भी मैंने गर्मी के हिसाब से जो है वो 1/2 केजी रखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसमें हमारे पास जो है वो हम जब कहीं भी बर्ड शॉप पे जाते हैं दाना लेने के लिए, तो हम जो है वो एक चीज़ का ख्याल नहीं करते कि बाजरा जो है वो मुख्तलिफ क्वालिटी का आता है, तो हम बस बाजरा कहते हैं और वो बर्ड शॉप वाले डाल देते हैं अपने हिसाब से। तो भाई बाजरा हम देखें, बाजरा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे सीड मिक्स में, जो कि ज़रूरी होनी चाहिए। अक्सर लोग जो है वो बाजरे को अवॉइड करते हैं, बाजरा डलवाते ही नहीं है, लेकिन बाजरा हमें डालना चाहिए। और बाजरा जो है वो
हमारे यहाँ कराची के अंदर तो बाजरा ग्रे पैरेट वाला, ग्रे पैरेट के नाम से एक बाजरा आता है जो बड़ा अच्छा साफ़ सुथरा बाजरा होता है और छोटा होता है, बारीक बारीक बिल्कुल नहीं होता, बट नॉर्मली आप जो बाजरा देखते हैं उससे थोड़ा छोटा होता है। तो वो बर्ड शौक से खाता है, मेरे पास जितने बर्ड्स हैं ऑलरेडी ये सारी चीज़ें खा रहे हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा रिजल्ट मिलता है इन सारी चीज़ों का। तो आप लोग, ये टोटल हो जाता है 20 किलो। ये तमाम जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं और इनके जो केजीज बताए हैं, रेशो बताए हैं, इस टोटल 20 केजी के दाने का, तो ये टोटल 20 केजी के बनता है। आप इसको अपने हिसाब से आप डिवाइड कर लें, अगर आपके पास बर्ड्स कम हैं तो आप इसको हाफ कर लें, अगर आपके पास बर्ड्स ज़्यादा हैं तो आप इसको डबल कर लें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अपना ख्याल रखें, अपने बर्ड्स का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।